आज राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बैनर तले माननीय एडीएम सिटी को आज हमने ज्ञापन दिया है। कल माननीय जिला कलेक्टर महोदया की अनुशंसा पर एक बीएलओ शिक्षक को लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया है, जो कि शिक्षक समाज और शिक्षक के लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य प्रशासन ने किया है। शिक्षक वर्ग पूरा चुनाव आयोग को लेकर सारे काम आज तक बहुत ईमानदारी से और कर्मठता से करता आया है, और इसकी कर्मठता का इनाम जिला कलेक्टर महोदय और प्रशासन महोदय राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से लेते रहते हैं, जबकि शिक्षक पर घोर अत्याचार हो रहा है बीएलओ के रूप में, और बीएलओ के रूप में उसका उपयोग करने के कारण से विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। इस चौपट व्यवस्था को भी शिक्षक सुधार रहा है, परंतु प्रशासन जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है और शिक्षकों को निलंबित कर रहा है बीएलओ के में लापरवाही के मामले को लेकर, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, जबकि उनसे बात करने पर ये आज वो सदमे में है, टीचर यहाँ पर आया भी नहीं है, और उसने बताया है कि अखबार में न्यूज़ देकर मेरी प्रतिष्ठा को गिराया गया है और शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा को भी गिराया गया है, जो कि घोर निंदनीय कृत्य है। हम प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि तत्काल उसको बहाल किया जाए, अन्यथा बीएलओ के कार्य का शीघ्र ही बहिष्कार किया जाएगा। ब्रजेंद्र शर्मा, प्रदेश संयोजक संघर्ष समिति, शिक्षक संघ लोकतांत्रिक।